देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला सवाबी से मरकजी काफिला रवाना हुआ था गुज़िश्ता रोज़, वो इस वक्त जो है वो मोटरवे पे पंजाब की हदूद पे है, वो रवान दवा है। काफ़ी बड़ी तादाद में जो वर्कर्स हैं पूरे सूबे से लोग आए हुए हैं और इस काफिले में आगे जा रहे हैं। इस बार जो है किसी किस्म की मशीनरी वगैरह नहीं है कंटेनर हटाने के लिए, वर्कर्स जो है जज्बात में सब कुछ कर रहे हैं। साथ साथ अली अमीन गंडापुर भी इस काफिले में शामिल है, उसके वर्कर्स जो हैं वो उसके जो कंटेनर है उसको बाकायदा तौर पर स्कॉट दे के ला रहे हैं। और बार बार हमने देखा है जहाँ तक कि कंटेनर रुका था वर्कर्स आगे आने से बिल्कुल इनकार कर दिया, उन्होंने मुतालबा किया कि जो है अली अमीन जो है उसका कंटेनर आ गया है, अली अमीन कहीं पीछे रह के निकल ना जाए, उसके ऊपर तहफ़ात का इजहार किया है। अब भी वर्कर्स का यह कहना है कि कई जगह जब अली अमीन सामने आए तो इसके ऊपर बाकायदा नारे लगाए हैं, डिमांड किया है कि उसने भागना नहीं है, कहीं पर गायब नहीं होना है। तो ये चीज़ है। ओवरऑल अभी बात करते हैं कुछ वर्करों से, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरा नाम जमीर खान है, मेरा ताल्लुक स्वाबी से है और हम शराम खान तरकई के मतलब उसके इलाके से है। इंशाल्लाह अभी हमने मगरत जो पुल है वो हमने क्रॉस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह जवानों के ताउन से। अभी हम डी चौक जाएंगे इंशाल्लाह, तो उधर कोई मुजाकरात नहीं, कोई डील नहीं है। इमाम खान आएगा खुद हमारे साथ, खुद बातचीत करेगा इंशाल्लाह, वो जो लाहे अमल बताएगा उस पर अब हम जो है ना अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोई डील नहीं है। मैं हूँ सऊदी अरब से आया हूँ, मैं सऊदी अरब में था, पासपोर्ट जो भी है लोग बोले कि सब कुछ भी कर लो, मुश्किल नहीं है, हमने दोबारा जाना नहीं है सऊदी अरब, या मरेंगे इंशाल्लाह या जो है ना इमाम खान को रिहा करके लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सीएम से हमारे साथ इंशाल्लाह, वो भी पीछे आ रहे हैं, और सुबह जो अयूब खान का जो था उमर अयूब था उसका जो काफिला था उसके साथ जो सीएम साहब है मेरे साथ खुद वो खड़ा था, और हमने खुद इंशाल्लाह वो जो है ना वो सब कुछ क्लियर करके जवानों के साथ और हमने वो इलाके भी क्लियर कर दिया। सीएम हमारे साथ साथ है इंशाल्लाह, कोई वो नहीं इंशाल्लाह। मेरा नाम अमानुल्लाह है, हम इमरान खान ने आखिर फाइनल कॉल किया हम उसके लिए आए हैं, हम अपने भरपूर तैयारी के साथ आए हैं केपीके से, इधर जितने भी रुकावटें हैं इंशाल्लाह हम इसको अबूर करेंगे और डी चौक तक हम इंशाल्लाह शाम को पहुंच जाएंगे। बिल्कुल हमारा सीएम साहब भी है और जितने भी एमपीएस एमएनएस हैं वो सारे हमारे इस काफिले में हैं और वो पहले लीड करते हैं, फिर हम पीछे उसके साथ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है सुबह नमाज के वक्त तो वो कंटेनर पर चढ़ाता है सुबह आ जाओ तो असन अब्दाल में वो लीड करता है, हर जगह हमारे साथ होता है।